जा रहे, ऊपर चलेंगे आ जाओ। आओ आ जाओ आ जाओ, चलो आप चलो। जी आज हाँ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम लोग हैं छत पे, ये देखो जी मेरा बीबी शरारत करते हुए। मूसा मुझे देखो, मामा मामा मुझे देखो। वाओ इतना खूबसूरत, तो ब्यूटीफुल। इधर भी है मुझे छोटा सा गुलाब का फूल, वाओ। एलोवेरा, वाओ इतनी खूबसूरत, इट्स अ ब्यूटीफुल जी। ये देखो इतना प्यारा जी, मम्मा कैसे बोल निकालेंगे तो मम्मा का हैंड कैसे जाएगा। मम्मा पूरी बात बेटा, मम्मा गिर जाएगी। मुझे देखो, ओ इतने सारे पिगियन, ओ देखो मुझे वो देखो, ऐसे ऐसे इसको पकड़ लो, उसको पकड़ो मुझे, जाओ बोल लो फुटबॉल लो, मुझे फुटबॉल लेके आओ। नहीं करो बेटा बुरी बात, आराम से बॉल उठाओ, आप बॉल उठाओ ना पापा। जी जी पापा, मम्मा, पापा, पापा। अच्छा तो जी अब हम लोग, असल में हम लोग जब छत से आए तो मैं और मूसा फिर सो गए थे, उसके बाद उठे तो अभी शाम का वक्त है। शाम को तो खैर नहीं है, काफ़ी टाइम हो रहा है, पर ये कि अब मैंने सोचा चलो खाना वाना बना लेते हैं। मैंने यहाँ चिकन भी निकाल के रख ली, ये रही चिकन, और मैंने सोचा चलो चिकन का देखती हूँ क्या बनाती हूँ यार, तो समझ नहीं आता, बस कुछ ना भी समझ आए तब भी बनाना तो पड़ता ही है, इसलिए अब सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, लेकिन ये कि जल्दी जल्दी सब कुछ बनाऊँगी, स्टार्ट करूँगी, क्योंकि
लेट हो जाती हूँ और ये बच्चा तो इस कदर मेरे को तंग करता है। ये देखो इस बच्चे का कोई जवाब नहीं है, इस बच्ची का कोई जवाब नहीं है, गंदे बच्चे। ओ माय गॉड, मुझसे क्या कर रहे हो ये। अच्छा तो जी मैंने चिकन फ्रिज से निकाल के रख ली यहाँ पे, और यहाँ पे टमाटर बॉईल कर रही हूँ। सिंपल सी, इसमें कुछ नहीं डालूँगी, बिल्कुल सिंपल सी चिकन बनाऊँगी। और इधर ये बच्चा इतना तंग कर रहा है मम्मा को, मतलब हाथ नहीं लगाओ चिकन को। और बस जैसे ही बॉयल होंगे, अब इनका छिलका उतरना शुरू हो गया है, सिर्फ इतना इसको बॉयल करना है। मैंने अभी ये चिकन निकाल के इसको फ्राई कर रही हूँ मैं, इसका हल्का सा नहीं, मतलब थोड़ा सा गोल्डन टाइप में चिकन फ्राई करूँगी। इसके बाद मैंने टमाटर को बॉयल करके छिलका उतार के मैंने रख लिया है, बाकी अभी लहसुन अदरक डालेगा, अदरक नहीं डालोगे, सिर्फ लहसुन इसमें जाएगा। अच्छा मैंने इसमें ना लहसुन डाल दिया है, बस इसको एक मिनट के लिए हल्का सा बस लहसुन में फ्राई करना है, ज़्यादा गोल्डन मतलब नहीं करना लहसुन को, क्योंकि फिर लहसुन की वो स्मेल होती है ना, कच्ची कच्ची सी अच्छी सी खुशबू आती है लहसुन की, वो ख़त्म हो जाएगी। और बाकी एक मूसा को भी देख लूँ, मूसा क्या कर रहे हो आप, क्या कर रही है मम्मा की बेबी, बादाम सारे उसमें डाले जा रहे हैं सोफे में, ये उल्टे उल्टे काम आप ये कर सकते हो मूसा। अंदर पोएम चल रही है, अंदर सारे काम हो रहे हैं, मूसा को मम्मा के साथ बाहर ही रहना है ना मूसा। मैंने अब इसमें सिर्फ कुटी लाल मिर्च डाली है, इसके अलावा कुछ नहीं डाला, नमक है, कुटी लाल मिर्च है। इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर, टमाटर डालने के बाद हल्का सा पानी डाल के इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पे रख दो, ताकि टमाटर और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और फिर जल्दी से ये भुन जाए। सिर्फ अच्छा तो जी बस अब इसकी भुनाई होगी, टमाटरों की आंच तेज कर दो। ये देखिए टमाटर की भुनाई होना शुरू हो गई, अब मैंने इसमें डाला सूखा धनिया, साबित सूखा धनिया मैंने लेके उसको हल्का सा सोते कर लिया था, हल्का सा फ्राई पैन पे मैंने उसको कर लिया था। और थोड़ी सी काली मिर्च, बाकी कुछ नहीं। मुझे क्या कर रहे हो, ये सिंपल सी चिकन की बुनाई हो जाए, इसका हल्का सा ऑयल निकल जाए, थोड़ा सा पानी डाल के इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी और उसके बाद रेडी। और अदरक
चॉप करके डाल दी। फिर इसको 2 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी, उसके बाद ही रेडी है। और जब खाओ तो धनिया, हरा धनिया और ऊपर से गरम मसाला डाल लेना, बाकी रेडी है। और बाकी ये कि अब मैं अपना पूरा किचन समेट लूँ, क्योंकि मेरा एक अदद बच्चा जो पूरे घर में तबाही मचा के रखता है, इसको शकून नहीं आ रहा। मामा क्या कर ली, मामा क्या नहीं कर ली, मूषा क्या कर रही है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मूषा की शरारतें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।